सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समीर है और ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कैन के यूजेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कैन बेसिकली हम अपनी एबिलिटी को दर्शाने के लिए, जब भी हम किसी काम को करने में सक्षम होते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बोलूँ तो कि मैं ये बैग को उठा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई कैन लिफ्ट दिस बैग अप। मैं इस बैग को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बैग अप। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो हम इसे बोलेंगे आई कैन रन वेरी फास्ट, आई कैन रन वेरी फास्ट। अगर जो मैं बोलूँ कि मैं तैर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। अगर जो इसी के विपरीत बात करें इन एबिलिटी अक्षमता के बारे में, तो हम यूज़ करते हैं कैनॉट का। लाइक कि अगर हमें बोलना हो कि मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता तो मैं बोलूँगा आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट, आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता तो मैं बोलूँगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये बैग नहीं उठा सकता तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग अप। तो अब चलिए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर हमें बोलना हो, अगर जो हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या तुम ये बैग को उठा सकते हो, तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कैन यू लिफ्ट दिस बैग अप, कैन यू लिफ्ट दिस बैग अप। क्या तुम बहुत तेज़ दौड़ सकते हो तो पूछेंगे कैन यू रन वेरी फास्ट, कैन यू रन वेरी फास्ट। और जो आपको बोलना है कि क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो, कैन यू टेक मी टू योर होम, कैन यू टेक मी टू योर होम। तो ये थे कैन के यूजेस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें एक थम्स अप दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डेली बेसिस पे मेरी जितने भी वीडियोज आएंगे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।